छो का नाम है पश्मीना धागे मोहब्बत के जो 25 तारीख को 25 अक्टूबर को सोनी सब पे आ रहा है साढ़े सात बजे इसमें मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसका नाम है अविनाश शर्मा जो कि कश्मीर से किसी तरह से जुड़ा हुआ है उसका एक पास्ट है कश्मीर में क्या है कैसा है वो तो आप देखेंगे तो ही पता चलेगा दूसरा बहुत ही मैनिपुलेटिव है बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि वो है जिसको जो कॉम्प्लेक्स है इसको गॉड कॉम्प्लेक्स है और इसके पास जो इसका जो कैरेक्टर है इसके बहुत सारे लेयर्स हैं हमेशा जब आता है तो कुछ ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आता है तो क्या होगा कैसे होगा ये आप देखेंगे और फिर हमें बताएंगे मेरे कैरेक्टर का नाम प्रीति सूरी है और हम सिर्फ कश्मीर में ही शूट कर रहे हैं मैं कशीना की माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ तो बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लेडी है उसने पश्मीना को सिंगल हैंडली बड़ा किया है बहुत मुसीबतों का सामना किया है और वो पश्मीना को भी अपनी तरह अपने से ज़्यादा इनफैक्ट सेल्फ़ सफिशेंट और कॉन्फिडेंट बनाना चाहती है और प्यार में विश्वास रखती है लेकिन उसके कुछ डूज और डोंट्स है, रेजर्वेशनस है प्यार के बारे में तो वो चाहती है कि पश्मीना उन्हें फॉलो करे और फिर अपनी लव स्टोरी आगे बढ़ाए नहीं कुटुंब के बाद में किया दो तीन और भी किए हम लोगों ने काफ़ी चोज़ किए ये हाँ ये काफ़ी टाइम के बाद में कर रहे हैं क्योंकि अब तक क्या है ना कि वही वेट करते कि कुछ अलग करें कुछ अच्छा करें तो ये है एक तो कश्मीर में है और दूसरा कुछ अलग करने को मिल रहा है दोनों के कैरेक्टर में इतना रंग है इतना इतने लेयर्स है इतने मतलब एक एकदम नो बहुत ही कश्मीर में है और बहुत ही क्या बोलते हैं कि स्ट्रिट है और इंडिपेंडेंट है और दूसरा है कि यू you नो know, कैसा है को कैसे मैनिपुलेट करता है और क्या करता है जो भी करना है उसे उसके लिए तो मज़ा आएगा ये अभी ये दोनों ये दोनों स्ट्रॉग हैं और दोनों जब मिलेंगे जो कि आप लोग सब चाहते हैं कि मिलें और ऐसे बैठ के बात करें ऐसे बैठ के बात करें ऐसे बैठ के बात नहीं करने वाले हैं हम लोग या कर रहे हैं करने वाले हैं ये तो आप ही बताएंगे तो उसी का इंतज़ार था तो इसीलिए हम साथ में हैं हाँ डिस्कस हो है ना हमें तो यही डिस्कस करता हूँ कि जाके शूटिंग कर एक्चुअली हम दोनों ने साथ में अभी तक शूटिंग नहीं की है अभी तो शुरू करेंगे शुरू करेंगे कल से तो लेकिन हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते उस तो बारे में हमें पता होता है क्या करेगी ये क्या करेगी उसको पता होता है मुझे पता होता है ये क्या करेगा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होगा मेरा ख्याल है कंटेंट चेंज हुआ है मतलब काम करने का तरीका तो वही है चेंज चेंज कंटेंट होने की जरूरत भी है लेकिन बाकी सब सेम ही है कुछ डिफरेंस नहीं फैंस को तो सब मेरे से ज्यादा फैंस को पता है <laughs> आ, यही कि ये फुल ऑफ लाइफ है मतलब सब सेट पे उनको पसंद करते हैं तो स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक सब इनके फ्रेंड्स हैं और आप भी हैं इसमें <laughs> और मैं उनके ऑपोजिट हूँ अके बैठी रहती हूँ अकेली ज़्यादा बात नहीं करती हूँ थोड़ा चेंज हुआ है इतने सालों में आ, तो फ्रेंडली है और सब सब उनका आसपास होना पसंद करते हैं आ, और बहुत जेन्यून इंसान है और बोलना बंद नहीं करते उनको बोलना पड़ता तो तो में यही खाली है जो मुझे बोल सकती है इसके तो अलावा कोई नहीं बोलता है सब <laughs> लोग चुपचाप मेरी बात सुनते हैं है। भाई कितना भी बोलू कितना भी वो चाहते हैं कि मैं बोलता ही रहू बोलता ही रहू बोलता ही रहू हाँ मैं मतलब कमाल है मतलब मैं क्या बताऊ जब आती है ना सेट पे तो लोग ना ऑटोमेटिकली चुप हो जाते हैं और जैसे ये जैसे इन्होंने कहा ना कि सब चाहते हैं कि मेरे आसपास रहे तो इनके साथ उल्टा है सब चाहते हैं कि इनसे थोड़ा दूर दूर रहे डरते डरते सब लेकिन किसी को ये बात नहीं पता है मैं अभी तक पता चल गया हूँ कि इतने सालों में ये एकदम नारियल की तरह हैं ये बाहर से सख्त दिखती है लेकिन दिल बहुत नरम है और दूसरा क्या होता है कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए मेरे लिए ज़रूरी नहीं है ये तुझे पसंद करना या मैं ये सोचता भी नहीं इनके लिए ये बहुत है अगर इन्होंने आपको पसंद किया जैसे अभी बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो भी है तो उनके लिए जान भी दे देंगे बोलेंगे कुछ भी हो जाए आओ आओ आ सकते हो आप कोई बात नहीं कुछ भी हो जाए मतलब उनको पता है कि ये हैं तो ये कुछ भी करेगी किसी भी हद तक जाएगी उनको मदद करने के लिए तो ये बहुत कम लोगों को पता है बॉन्डिंग सबके साथ बहुत अच्छा है ऐसा लगता है कि मैं ना सब लोगों के साथ पहली बार शूटिंग नहीं कर रहा हूँ ऐसा लगता है कि मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ जो कि अच्छा है हमारे शो के लिए और बाकी तो बॉन्डिंग ये बताएंगे एक्चुअली मैंने दोनों के साथ ज्यादा काम किया है से ज्यादा uh, क्योंकि कश्मीर में ज्यादा हम लोग शूट कर रहे हैं तो ईशा इज़ वेरी स्वीट स्मॉल टाउन से है अभी अभी पहला शो है बट नो 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 प्रॉब्लम वेरी स्वीट हैं और निशांत इन इंडस्ट्री फॉर सम टाइम सो वी हैव गुड विद विद इट्स फन वर्किंग देम कितना डिफिकल्ट होता है मेरे डिफिकल्टी आ... अभी धीरे-धीरे पता चलेगी जैसे सर्दी बढ़ रही है हाँ। अभी तो बहुत अच्छा है, लोग हेल्पफुल खाना अच्छा है बहुत सुंदर है आ... हाँ, इसीलिए पहले भी यहाँ शूट कर चुके हैं और फिर कर रहे हैं you know, उनको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है।, है जानते हैं लोगों प्रॉब्लम तो नहीं तो नहीं होनी चाहिए होगी कोई ठंडी हमारे लिए दिक्कत हाँ। होगी ठंडी क्योंकि हमको ठंडी में सुबह उठ के अभी मुझे पता है कि जब भी बारिश होती है तो हमारे वहाँ जान के बारिश के सीन आउटडोर सीन्स लिखे जाते हैं यहाँ ठंड होगी तो इसलिए रोज सुबह सात बजे का कॉल टाइम होगा ये भी मुझे पता है जो उठा नहीं जाएगा जो ठंड के मारे कैसे उठे तो ये दिक्कत है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सब सॉर्टेड है मस्त है एकदम फर्स्ट क्लास यही बोलना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारे सारे शोज़ देखे हमें इतना प्यार दिया हम चाहते हैं कि आप हमारे इस शो पश्मीना धागे मोहब्बत के को भी बहुत सारा प्यार दें और इसी तरह से लाइक करें और इसी तरह से हमें बताते रहें कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा आई एम श्योर आप लोग वेट कर रहे हैं कि हम दोनों साथ में कब दिखेंगे तो तारीख आपको याद है ना 25th October 7:30 p.m. on Sony, Sony Saab. Saab.